Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I welcome you all in the fourth lecture of this program, Organizational Theory and Behaviors. Hope you learned previous three lectures and you go through and you fulfill the requirement of this course. इससे पहले कि हम अपना आज का एक इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू करें, हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ पिछले लेक्चर्स में की गई जो शेयरिंग थी उसको मज़ीद एक दफ़ा रिवाइज़ करें ताकि हम कनेक्ट कर सकें आज के लेक्चर्स के साथ पिछले लेक्चर्स का, क्योंकि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल था ये लेक्चर. आज इसका ये दूसरा और आखिरी पार्ट है जो कि बेसिकली परसेप्शन के बारे में था कि किस तरह परसेप्शन आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक बेहतर इन्फ्लुएंस डाल सकती है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेप्शंस फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हाउ इंडिविजुअल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एबिलिटी विच अल्लाह हैज़ गिवन टू अस टू जज द अदर पीपल्स, टू जज द थिंग, टू इंटरप्रेट द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स. दिस इज चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2, परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. द लिंक बिटवीन परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, कि परसेप्शन का लिंक क्या है डिसीजन मेकिंग के साथ, ये किस तरह लिंक करती है, किस तरह एक इंडिविजुअल बेहतर तरीके के साथ अपने परसेप्शन परसेप्चुअल एबिलिटीज़ को अपने डिसीजन मेकिंग राइट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकता है. ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको अपनी अमली प्रैक्टिस के अंदर लेके आना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. तो अब हम आगे गो थ्रू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स की रिवीजन करते हैं ताकि कनेक्टिविटी में हमें सहूलत हो. डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि शेयर की थी आपके साथ चीज़ें कि परसेप्शन व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एवरीथिंग वी कैन गेट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स एंड इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ our requirement or judgment is perception. Perception help you a lot to evaluate the things, to judge the things, to interpret the finding of that things. तो perception basically हमारे हर उस चीज़ पर असरअंदाज होती है जो हमारे लिए ज़िंदगी के अहम फैसले, हमारा दूसरे के बारे में सोचना, दूसरों के साथ हमारा इंटरेक्शन हमारे परसेप्शन की वजह से है. दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात की बेहतरी जो है परसेप्शन की ज़रूरत में है. क्यों दो एक जैसे लोग जो हैं वो अगर काम शुरू करते हैं एक जैसी चीज़ को देखते हैं लेकिन सबकी राय क्यों मुख्तलिफ होती है या बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ क्यों होती हैं, तो ये हमारी परसेप्शन का कमाल है कि कौन कितने ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको परसीव करता है और इंटरप्रेट करता है. इसी वजह से अगर बेहतर इंटरप्रटेशन ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेते हैं, आपके आपस में मसाइल जन्म लेते हैं और उन मसाइल के हल के लिए फिर एक तगोदो जारी रहती है. तो परसेप्शन का बेहतर होना, फ्रूटफुल होना, हेल्दी होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है. उसके बाद हमने उन फैक्टर्स के बारे में आपके साथ शेयर किया था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो है परसेप्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस पैदा होता है. उसमें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले परसीवर्स के ऊपर जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं वो कौन सी हैं. अब परसीवर्स के ऊपर उसका बैकग्राउंड, उसकी इन्वायरमेंट, उसके अपने रवैये, उसका इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं परसीवर्स की जो है वो उसके इन्फ्लुएंस पे काम आती हैं. उसके बाद टारगेट जो है, टारगेट जो कि किसके बारे में आप परसीव कर रहे हैं. अब मैंने एक मिसाल दी थी कि जैसे क्लास में या कोई शख्स बहुत ज़्यादा बोलता है तो वो अपने ग्रुप में नमाया होके आएगा तो वो टारगेट होगा कि सबकी तवज्जो उसकी तरफ जाएगी. तो ये एक परसेप्शन है कि किसी वजह से कोई पहचाना जाए, टारगेट का साइज़ की वजह से पहचाना जाए, टारगेट की साउंड की वजह से पहचाना जाए, टारगेट की कोई ऐसी यूनिकनेस की वजह से पहचाना जाए
तो वो परसेप्शन को जो है फैसला करने में बेहतर मुआवन साबित होगी। उसके बाद सिचुएशंस हैं कि सिचुएशंस भी बाज़ औक़ात हमारे परसेप्शंस को कि किस तरह की सिचुएशन में हमें वो एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से हम परसीव कर रहे हैं, क्या हम अपने परसेप्शंस को किसी ख़ास सिचुएशन के अंदर ले जाके परसीव करते हैं या एज़ इट इज़ उसको सही तरह से एनालाइज करते हैं, तो ये फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पर्सनस परसेप्शंस जिसमें एट्रीब्यूशन थ्यूरी थी, इस थ्यूरी की मदद से किस तरह क्या हम बाहर की दुनिया को ब्लेम करते हैं अपनी नाकामी का या हम अपने कामयाबियों का अपने इंटरनल उसको क्रेडिट देते हैं कि ये हमारी अपनी सोच और हमारी अपनी सलाहियत की वजह से ये हुआ है। तो ये परसेप्शंस की पर्सन एट्रीब्यूशंस थ्योरी है जो कामयाबी के तो अपनी तरफ लेती है और नाकामी को का जिम्मेदार एक्सटर्नल फैक्टर्स को ठहराती है जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो क्या ये सही अप्रोच है या गलत अप्रोच है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि इस तरह नहीं होता, हमने हर चीज़ को एनालाइज करना है डिसीजंस करते वक्त तमाम फैक्टर्स को सामने रखना है और उस डिसीजंस को कर लिया तो उसका सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव्स भी तलाश करना है ताकि इन केस किसी वजह से डिसीजंस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर इफेक्ट होता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी पर्सनैलिटी को हमारी पर्सन जो एट्रीब्यूशन हैं उसको ठेस या नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ एरर्स और बायसनेस होती है जिसकी वजह से हम डिसीजंस लेते हैं और उसमें हमारा अपना जाती इंटरेस्ट भी होता है, वो एरर का बायस बनता है। बायसनेस होती है कि मुझे मिल जाए दूसरे को मिले या ना मिले, तो दीज थिंग्स जो है वो इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शंस। वी नीड टू हैव टू गेट रिड ऑल ऑफ ऑल दोज एरर्स एंड बायसेस फ्रॉम आवर पर्सनैलिटी टू गेट गुड रिजल्ट्स। तो एनालाइज करना, एनालिटिकल जो है फ्रेमवर्क के अंदर काम करना ये परसेप्शन सिखाता है। सेल्फ सर्विंग बायस के ऊपर बात हुई थी कि अपने लिए सब ठीक है दूसरे के लिए जो है वो ठीक नहीं है, नाकामी में एक्सटर्नल फैक्टर सामने ले आके रख देते हैं और कामयाबी में अपने फैक्टर्स के अपनी स्किल्स को हम हाईलाइट करते हैं। उसके बाद सेलेक्टिव परसेप्शन जिसमें आपके इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड काउंट होता है, ये सिलेक्टेड होता है कि अगर तो आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है आप in the light of that interest to take decisions to perceive the things according to your requirement। उसके बाद आपका बैकग्राउंड, अगर आपका बैकग्राउंड स्पेसिफिकली किसी तरफ आपका रुझान है आप इन द लाइट ऑफ दैट बैकग्राउंड यू टेक सम डिसीजंस और यू परसीव द थिंग्स इन द लेंस ऑफ योर पर्सनल बैकग्राउंड्स। तो पर्सनल बैकग्राउंड को आपने सामने नहीं रखना परसेप्शंस में क्योंकि परसेप्शंस इसमें यहाँ पे गलत सिम जाने का एहतमाल रहता है। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका, अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस आप उठाते हैं, क्या आप क्या परसेप्शन आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर है या इसके पीछे कोई रैशनल या इसके पीछे कोई लॉजिक या इसके पीछे कोई प्रॉपर वर्क है, तो ये भी सेल्फ आपका सेलेक्टिव परसेप्शंस के अंदर आएगा। और आपका एटीट्यूड, यू हैव सेट योर ओन एटीट्यूड्स, यू हैव स्ट्रेंथन योर एटीट्यूड्स डे बाई डे, राइट और रॉन्ग इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट और रॉन्ग, यू सेट योर एटीट्यूड्स इन द लाइट ऑफ दैट एटीट्यूड यू टेक सम एडवांटेजेस, यू टेक सम यू गेट द डेटा फ्राम आउटसाइड वर्ल्ड एंड बिहेव इन द लाइट ऑफ दैट एटीट्यूड। तो ये भी परसेप्शन का कमाल है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट्स हैं जो जज करते हैं अदर्स को, जिसमें हमने कुछ इफेक्ट्स बताए थे, हालो इफेक्ट्स है, कंट्रास्ट मेथड है, प्रोजेक्शंस और स्टीरियोटाइपिंग है, इफेक्ट्स हैं जो आपके परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग में नुमाया होकर सामने आते हैं। हालो इफेक्ट में आप यही होता है कि किसी एक वजह से आपने मफरूज़ा कायम कर लिया और उसी की बेस पर आपने डिसीजन लेना शुरू कर दिया। कंट्रास्ट है जो आपकी अपनी थिंकिंग है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके मुताबिक आप अपने डिसीजंस लेते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को, इन द लाइट ऑफ दैट प्रोजेक्शन यू टेक सम डिसीजंस और वो ठीक होते हैं। यानी स्टीरियोटाइपिंग जो एक कॉन्सेप्ट है कि यू सेट योर स्कीमाज इन द लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर ग्रुप और ग्रुप पूरे को आप उसका इल्ज़ाम दे देते हैं कि ये ग्रुप ही ऐसा है, तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग में आपको जो है वो रॉन्ग डिसीजंस की तरफ भी लेके जाता है कि स्टीरियोटाइपिंग के साथ नहीं होता, एक्चुअली देखना है कि क्या हालात हैं वाकयात हैं। उसके पास स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हमने पढ़ा कि
स्पेसिफिक ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उसकी मदद से वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, जिसमें एम्प्लॉई इंटरव्यूज़ हैं, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बाद एथनिक प्रोफाइलिंग है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, और एम्प्लॉई एफर्ट्स हैं. ऑल दीज आर द कॉमन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेशंस, और एवरी एंड ईच ऑर्गेनाइजेशन यूज टू इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑन डेली बेसिस. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वो लेसन आपने कुछ रिवाइज किया होगा कुछ चीज़ें. तो इसका जो दूसरा पार्ट है, हम इसको इसमें कनेक्ट करते हैं कि किस तरह आगे जो परसेप्शंस है वो हमें मदद देता है हमारे डिसीजंस में. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर 3 पार्ट 2, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ टू पीपल कैन सी द सेम थिंग एंड इंटरप्रेट इट डिफरेंटली. यही हमारा ऑब्जेक्टिव था पार्ट 1 में, कि एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू पीपल कैन सी द सेम थिंग्स. जैसे हमने बताया कि ये इस वजह से था कि दो लोग मुख्तलिफ उसके जो बैकग्राउंड होता है, या फिर उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, या उसकी स्टीरियोटाइपिंग इन्वॉल्व होती है, या उसका बायसनेस होती है, या फिर उसकी एरर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ सूरतों में बयान करते हैं. तो ट्रू जजमेंट जो है वो सही एनालिसिस की वजह से, सही विदाउट द विद द एब्सेंस ऑफ बायसनेस और विद द एब्सेंस ऑफ सम एरर की वजह से आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं. अदरवाइज आप एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करेंगे जो आके जाके आपको नुकसान देगी. उसके बाद लिस्ट 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ एट्रीब्यूशंस. Describe how shortcut can sit on distort our judgment of others. जैसे हमने डिस्कस किया कि जो हमने शॉर्टकट्स रखे हुए हैं, उस शॉर्टकट्स जो हैं वो हमें कभी कभी तो असिस्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, हमारी जजमेंट को दूसरों के आगे गलत साबित कर देते हैं. तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए. शॉर्टकट्स के साथ नहीं होगा, एक माइंड सेट के साथ नहीं होगा, बल्कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिसीजन जो है, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा और उसके अल्टरनेटिव्स को भी देखना पड़ेगा. डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेन हाउ परसेप्शन इफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. फिर हमने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह परसेप्शन इफेक्ट करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को. उसके बाद आउटलाइन 6 स्टेप इन रैशनल डिसीजंस, ये हम करेंगे मेकिंग. उसके बाद डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ बाउंडेडली रैशनल डिसीजन मेकिंग मेकर्स. आइडेंटिफाई द कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स मोस्ट लाइकली टू यूज इंट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग. डिस्क्राइब 4 स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग. Define heuristic and explain how they biases decisions. Contrast the 3 ethical decisions criteria. Dear students, ये है हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने लिंक करना है कि the link between perception and individual decision making. कि कैसे लिंक करेंगे हमारे इंडिविजुअल जो डिसीजंस हैं वो हमारे परसेप्शंस को किस तरह असरअंदाज करते हैं. तो सबसे पहले प्रॉब्लम, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा हम उसको परसीव करेंगे. अ परसीव डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड अ डिजायर्ड स्टेट. कि कोई भी जो प्रॉब्लम है, परसीव डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द करंट स्टेट, एक ऐसी चीज़ जिसको ज़रूरत है ठीक होने की, जिसको ज़रूरत है आइडेंटिफाई करने की, अफेयर एंड डिज़ायर स्टेट. तो जब भी हम किसी अपने मतलूबा नताइज को हासिल करने की तरफ जाते हैं तो वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम होता है. उस प्रॉब्लम को यानी डिज़ायर्ड और रिक्वायर्ड जो हमारी चीज़ है वो हमारा प्रॉब्लम है कि इसको सॉल्व किया जाए. उसकी सोल्यूशन के लिए डियर स्टूडेंट्स हम परसेप्शन की मदद लेते हैं कि किस तरह हाउ टू गेट रिड ऑफ दोज प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग राइट डिसीजंस इन द लाइट ऑफ द एबिलिटी ऑफ परसेप्शन. उसके बाद डिसीजंस हैं. अब डिसीजंस क्या है? दिस इज द मैटर ऑफ 2 choices, 3 choices, 4 choices एंड फ्रॉम दैट choices यू विल डिसाइड एंड पिक 1 right choice which help your organization, which help your rest of the things to execute. The choice made from among alternatives, you choose and pick the things as an alternative.
डिवेलप फ्रॉम डेटा परसीव्ड एज रेलिवेंट, तो परसेप्शन ऑफ द डिसीजन मेकर इज काउंट कर, तो आउटकम क्या आएगा प्रॉब्लम और डिसीजन का, आउटकम आपका जो आएगा परसेप्शन ऑफ द डिसीजन मेकर, कि जो भी आउटकम आएगा प्रॉब्लम और डिसीजन को जब आप लिंक करेंगे, आप अल्टरनेटिव में से चॉइसेस में से जब एक चीज़ पिक करेंगे, उस पिक करने के बाद जब आप जो चीज़ सामने आएगी वो आप देख सकते हैं कि परसेप्शन ऑफ द डिसीजन मेकर है। तो जो डिसीजन होता है इसका मतलब है ये इसका परसेप्शन था, इसकी बेस के ऊपर इसने ये डिसीजन लिया। तो डियर स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि ये लिंक करता है प्रॉब्लम और डिसीजन आपस में, इसकी वजह से जो डिसीजन आप लेंगे, जो आप चूज़ करेंगे, जो पिक करेंगे, वो आपका परसेप्शन होगा यानी डिसीजन मेकर का, ये इसका आउटकम है, जो इसकी एंड रिजल्ट आएगा वो आपके परसेप्शन की सूरत में आएगा। एजम्पशन ऑफ द रैशनल डिसीजन मेकिंग, इसमें हम कुछ एजम्पशंस लगाते हैं टू टेक द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। अब ये मॉडल क्या कह रहा है, रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल शुड बिहेव इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सम आउटकम। डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल शुड बिहेव, हमें ये डिस्क्राइब करना है कि किस तरह एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होना चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सम आउटकम्स, क्योंकि बेसिकली जो भी रैशनल डिसीजन मेकिंग होगी वो आउटकम के लिए होगी, प्रोडक्टिविटी के लिए होगी, रिवार्ड के लिए होगी और बाकी ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें एडवांटेजेस जाएं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रैशनल डिसीजन मेकिंग कितनी ज़रूरत है, और ये मॉडल इसके ऊपर हेल्प करता है ताकि वी कैन गेट द बेटर डिसीजंस एंड टू कम अ गुड आउटपुट फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज अ इंडिविजुअल। इस मॉडल की जो एजम्पशंस हैं, प्रॉब्लम्स क्लियरिटी, नोन ऑप्शन, क्लियर प्रेफरेंसेस, कॉन्स्टेंट प्रेफरेंसेस, नो टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट, मैक्सिमम पे ऑफ। अब ये मॉडल एजम्पशंस हैं कि प्रॉब्लम से क्लेरिफाई करता हो, क्लैरिटी हो प्रॉब्लम्स के अंदर, पता हो कि किस चीज़ को हमने एड्रेस करना है, नोन ऑप्शंस हमें और जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके बारे में हमें पता हो कि वो ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह हम इस ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे। उसके बाद क्लियर प्रेफरेंसेस, हमारी प्रेफरेंसेस क्लियर होनी चाहिए, हमारी एजम्पशंस के अंदर है कि सारी ये करने के बाद कांस्टेंट प्रेफरेंसेस, कि हमारी वो कांस्टेंट प्रेफरेंसेस कौन सी है जिसकी वजह से हम रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हम जाते हैं। नो टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट, इसके अंदर टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए, और मैक्सिमम पे ऑफ, और मैक्सिमम जो है इससे सहूलत हासिल हो, फ़ायदा हासिल हो और आपको फ़ायदा हो। स्टेप इन रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, देर आर नंबर डिफरेंट स्टेप्स टू टेक द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। फॉर दैट पर्पज आप देखें, डिफाइन प्रॉब्लम, सबसे पहला जो स्टेप होगा कि वी कैन वी आर एबल टू डिफाइन अवर प्रॉब्लम्स। जब तक हमें अपने प्रॉब्लम्स का पता नहीं होगा, डिसीजन लेने में हमें दिक्कत होगी, डिसीजन नहीं लेंगे। तो इस पहले स्टेप की वजह से रेस्ट ऑफ द स्टेप्स जो हैं वो फुलफिल होते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। अब हमारा जाहिर है हमने कोई डिसीजन लेना है, उस डिसीजन का कोई क्राइटेरिया होगा, किसी बैकग्राउंड की वजह से होगा, किसी एक्सपीरियंस की वजह से होगा, किसी मशवरे की वजह से होगा। तो वी हैव टू लुक आफ्टर एंड केयर दैट थिंग्स विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया, और देर आर मैनी वेज टू आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया ऑफ द डिसीजन। इन द लाइट ऑफ दैट क्राइटेरिया वी विल बी एबल टू, वी आर एबल टू टेक द राइट डिसीजंस क्राइटेरिया। उसके बाद ये दीज आर द थर्ड स्टेप ऑफ एलोकेट वेट टू द क्राइटेरिया, हमने एलोकेट करना है, उसको वेट करना है क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए। डिवेलप द अल्टरनेटिव्स, उसके बाद आप बेहतर जो हिकमत अमली ये है कि आप अपने अल्टरनेटिव्स को भी डिराइव कर लें इन केस ऑफ फेलियर, इन केस ऑफ एनी रॉन्ग फीडबैक, और इन केस ऑफ एनी रॉन्ग डिसीजन यू हैव टू टेक केयर देयर, और यू हैव टू पिक दोज डिवेलप अल्टरनेटिव्स, और वो आपको डेवलप करने हैं बिफोर टेकिंग द डिसीजन। एवेल्यूएट द अल्टरनेटिव्स, उसके बाद का जो स्टेप बनेगा, आपने उन अल्टरनेटिव्स को एवेल्यूएट करना है कि वो कितने फिजिबल हैं, पॉसिबल हैं, प्रैक्टिकल हैं, एप्लीकेबल हैं, ताकि हमारे डिसीजंस के अंदर हमारी मदद हो और हमें सपोर्ट करें वो।
उसके बाद सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, उसके बाद का जो स्टेप है आपने उसमें से सिलेक्ट करने हैं कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स कौन से हैं और उसको पिक करना है. तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द प्रैक्टिसेस विच यू हैव टू फॉलोज एंड दीज आर द स्टेप्स विच हैव टू फॉलोज बाय फॉर टेकिंग द रैशनल डिसीजंस मेकिंग. और दिस इज द मॉडल ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल विच हेल्प यू टू टेक अ राइट डिसीजंस. देर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी. उसके बाद ठीक है, पीछे बात हुई थी आपको याद होगा कि डिसीजंस के साथ क्रिएटिविटी को अगर लगा दिया जाए तो उसमें आपको क्रिएटिविटी सपोर्ट करेगी, उस क्रिएटिविटी की मदद से आपके डिसीजंस जो हैं वो रॉन्ग होने का बहुत कम जो है एहतमाल रहता है. लिहाजा हमें क्रिएटिविटी के साथ चलना है. और ये हमारे कंपोनेंट्स हैं कुछ तीन जो क्रिएटिविटी को बनाते हैं. नंबर वन, क्रिएटिविटी इट्सेल्फ क्या चीज़ है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉवल एंड यूजफुल आइडियाज. ऑल वी हैव अ नंबर ऑफ आइडियाज, सम आर प्रैक्टिकल, सम आर नॉन प्रैक्टिकल. वी हैव टू evaluate those ideas and new ideas and convert towards practicality. और अगर हम अपने novel ideas को convert करें practicals की तरफ से तो वो हमारी creativity होगी. और हम पहले से चलती हुई चीज़ों को existing चीज़ों के साथ अपने जब creativity के साथ match करेंगे, creativity को add करेंगे, तो उसमें डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके के साथ आएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो आपके डिसीजंस को सपोर्ट करेगी. उसके बाद जो हमारे तीन क्रिएटिविटी के कंपोनेंट हैं उसमें एक्सपर्टीज़, उसके बाद क्रिएटिविटी स्किल्स, और उसके बाद टास्क मोटिवेशन. ये तीन तरह के हमारे कंपोनेंट हैं जो क्रिएटिविटी को करते हैं और क्रिएटिविटी को स्ट्रेंथन करते हैं. और दीज कैन components are very much important and necessary to combine the creativity with our decisions. Or three component model of creativity: proposition that individual creativity requires expertise, creative thinking skills, and intrinsic task motivation. Intrinsic task motivation, ke you have to intrinsically motivate yourself to do the task, to perform the task, to practice the task. So intrinsic motivation plays a very important role towards creativity. If you have the intrinsic motivation, then you create, you design, you think about that, you think critically towards the right directions. तो क्रिटिकली आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट कितने ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके. हाउ आर डिसीजंस एक्चुअली मेड इन ऑर्गेनाइजेशंस. अभी हमने ये देखा है कि जर्नली किस तरह डिसीजंस लिए जाते हैं. आप अपने तौर पे भी इसको देखें, एवेल्यूएट करें, आप किस तरह डिसीजंस लेते हैं, उसके पीछे क्या चीज़ होती है बिहाइंड द सीन, आपके माइंड में क्या चीज़ होती है. इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस लेती हैं तो वो किन चीज़ों को सामने रखती है, तो उसमें एक बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जिसके मुताबिक इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस बाय कंस्ट्रक्टिंग सिंप्लीफाइड मॉडल दैट एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल फीचर्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स विदाउट कैप्चरिंग ऑल द कम्प्लेक्सिटी. अब इस बाउंडेड रैशनैलिटी के ज़रिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं जब भी डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट करते हैं एक सिंपल सा मॉडल, सिंप्लिसिटी को ऊपर की सतह से उसको लेके तो डिसीजन कर रहे होते हैं. हालांकि एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल फीचर्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स, और जो जो नज़र आने वाले फीचर्स होते हैं या जो ऐसे फीचर्स जो हैं सामने दिख रहे हैं उसकी मदद से एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़रूरी ज़रूरी चीज़ों को, ज़रूरी फीचर्स को, और प्रॉब्लम्स में से उठा के विदाउट कैप्चरिंग ऑल देयर कम्प्लेक्सिटी. इस बाउंड्री रैशनैलिटी के मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को बगैर कम्प्लेक्सिटी के अंदर जाए हुए एसेंशियल मैटर्स को फोकस करके एक डिसीजन की तरफ जाते हैं. और अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ज़्यादातर ये रुझान देखा गया है. हाउ आर डिसीजंस एक्चुअली मेड इन ऑर्गेनाइजेशन, ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिसीजंस को कैसे लिया जाता है. हाउ व्हाई प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड, विजिबिलिटी ओवर इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम. सबसे पहले कि प्रॉब्लम्स कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उस कितना विजिबल है,
कितना प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रहा है कि इसको आइडेंटिफाई करें। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी डिसीजंस लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसकी विजिबिलिटी देखी जा रही है कि क्या वो विजिबल है, क्या वो आम रूटीन में नज़र आ रहा है, क्या उसके बगैर हमें आगे गुजारा मुश्किल है, हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, लिहाजा हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उसके मुताबिक अटेंशन कैचिंग, हाई प्रोफाइल प्रॉब्लम्स, डिज़ायर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर अगर आप कि इंडस्ट्री के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रॉ मटेरियल वक्त पे नहीं पहुंच रहा और जो सप्लायर है वो आपको वक्त के ऊपर सप्लाई सही नहीं कर रहा, तो ये आई कैचिंग है। क्योंकि सप्लाई आएगी, रॉ मटेरियल आएगा तो आगे प्रोडक्शन की तरफ जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं वक्तन फवक्तन आपकी प्रोडक्शन जो है वो डिले हो रही है, और उस वो फैक्टर जो उसके पीछे है ये आई कैचिंग है कि गाड़ी अब वो आपका रॉ मटेरियल नहीं पहुँच रहा जबकि आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो ये एक आई कैचिंग प्रॉब्लम हो गया। इसी तरह आप स्पोर्ट्स का कोई प्रॉब्लम उठा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ले लें, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई कैचिंग है। अब यू हैव टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो ये एक विजिबल है, आइडेंटिफाइड है, और विजिबिलिटी अवर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम कि विजिबिलिटी है। पाकिस्तान में ओपनिंग पेयर्स नहीं है तो ये विजिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम है। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर जैसे मैंने बताया रॉ मटेरियल विजिबिलिटी है, नहीं आ रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिकसिटी है, ये विजिबिलिटी है, विजिबल प्रॉब्लम है और कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कैसे चलेगी। तो ये एक आपको डिसीजन लेना है इसमें। उसके बाद आपकी और अटेंशन कैचिंग है, ये हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल इस तरह है कि इसी की बेस पे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके लिए एक हाई प्रोफाइल प्रॉब्लम है। उसके बाद डिज़ायर टू सॉल्व प्रॉब्लम, इसमें हम सब की डिज़ायर है कि उस प्रॉब्लम को चेंज करें, क्या वो सप्लायर चेंज कर दें। सप्लायर चेंज किया तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमने उसके बहुत सारे पैसे देने हैं, तो वो एक प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे। टू कीप इन माइंड ऑल हिडन एंड फ्रंट प्रॉब्लम्स यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन रिमूव, यू कैन रिड्यूस दीज नेगेटिव इफेक्ट्स टू टेक द राइट डिसीजंस। आपके ऊपर काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपके ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं जो आपको अपने राइट डिसीजन लेने में मदद जो है मुश्किल पेश आती है, तो आपने कैसे लेना है। क्योंकि डिज़ायर तो है कि सॉल्व करें, लेकिन इसके अंदर जो हर्डल्स हैं उसको कैसे रिमूव करें और उनको सामने रख के कैसे एक रेशनल और बेहतर डिसीजन हम ले सकते हैं। तो बेसिकली ये भी एक है। उसके बाद है सेल्फ इंटरेस्ट इफ़ प्रॉब्लम कंसर्न डिसीजन मेकर्स। अब एक और चीज़ जो सब आ जाती है कि जब कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस लेती, उसमें क्या आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरेस्ट है, हाई हायरार्की का इंटरेस्ट है। अगर तो वो इंटरेस्ट उनका है, अब मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयज़ का कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट तो एम्प्लॉयज़ का तो होगा लेकिन टॉप मैनेजमेंट का नहीं होगा, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इफ़ कंसर्न्स डिसीजन मेकर्स, तो ये हम कैसे देखेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को लेके इसकी सॉल्यूशंस की तरफ हमने जाना है। उसके बाद अल्टरनेटिव्स डेवलपमेंट हैं। एक मिनट सर, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट्स सेटिस्फिकिंग सीन द फर्स्ट अल्टरनेटिव दैट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, एंगेजिंग इन इंक्रीमेंटल रादर देन यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सक्सेसफुल लिमिटेड कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स टू द करंट अल्टरनेटिव इन इफेक्ट्स। अब अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के अंदर सीइंग द फर्स्ट अल्टरनेटिव, यू हैव सेलेक्ट योर अल्टरनेटिव्स, बाय सेलेक्टिंग दोज अल्टरनेटिव यू हैव टू डिसाइड इन विच ऑफ द अल्टरनेटिव इज अवर फर्स्ट वन अल्टरनेटिव दैट सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो अल्टरनेटिव्स जो हैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद देंगे, इंगेज करेंगे इंक्रीमेंटल रादर देन यूनिक प्रॉब्लम। इंक्रीमेंटल जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनकी सोल्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अटेंशन कैचिंग प्रॉब्लम्स जो कि हाई प्रोफाइल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपके, तो ऑर्गेनाइजेशनल जो डिसीजन मेकिंग है एक्चुअली मेड इन ऑर्गेनाइजेशन, वो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रॉब्लम्स लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद कॉमन बायसेस एंड एरर हैं, आवर कॉन्फिडेंस बायस सबसे जरूरी, बिलीविंग टू मच इन आवर ओन डिसीजन कॉम्पिटेंसीज,
बाज़ दफ़ा अवर कॉन्फिडेंस जो है हमारे डिसीजंस को गलत कर देता है, और अवर कॉन्फिडेंस हमारे पिछले एक्सपीरियंस, हमारे इंटरेस्ट, हमारे गलत परसेप्शन, हमारे रॉन्ग डिसीजंस, हमारी रॉन्ग डाटा कलेक्शंस, हमारी रॉन्ग एनालिसिस के ऊपर हम अवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। क्योंकि हम अगर एक्सपीरियंस को देखें तो इससे पहले जो एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे डिसीजंस गए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस वी अज्यूम दैट द रेस्ट ऑफ द डिसीजन विल बी मेड एज इट इज़, लेकिन वो ऐसा नहीं होता बाज़ दफ़ा। तो इसकी वजह से हमारे डिसीजंस की कंपिटेंसी जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट आता है और बिलीव कर लेते हैं। तो ये कॉमन बायसेस एंड एरर हैं, ये वो एरर हैं और ये वो बायसेस हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर लेके जाती हैं, और हमारे डिसीजन प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स के अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। तो कॉमन बायसेस है अब और एरर है एक पर्सनैलिटी का, उसके परसेप्शन का, कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं। आपने हर, जैसे कि पहले बात हुई, हर डिसीजन को इस तरह लेना है कि उसकी प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट थी डिसीजंस की, जिसके अंदर वैल्यूएशन थी, एनालाइजेशन थी, और ऑब्जर्वेशंस थी और टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, सबको सामने रख के लेना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, आपने उसको सही तरह से एज्यूम ना किया, असेस ना किया, तो फिर ये ठीक नहीं है। तो ये एक हमारा कॉमन बायसेस है और एरर्स हैं जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद एंकरिंग बायस, फिक्सेटिंग द अर्ली फर्स्ट रिसीव इंफॉर्मेशन। बाज़ दफ़ा व्हेन वी गोइंग टू टेक डिसीजंस तो वी गेट सम इंफॉर्मेशन, वी गेट सम सजेशन, वी गेट समथिंग लाइक दैट थिंग्स। तो जो पहली इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या जो पहला मशवरा हमें मिलता है, तो एंकर कर लेते हैं, हमारा बायस उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और हम उसको अपने डिसीजंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं आपको ठीक मिली हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि, या फर्स्ट आपके पास जो भी ऐसा डेटा आया है, ज़रूरी नहीं कि उसकी बेस के ऊपर डेटा आप लें। तो ये भी एक बायस है, एरर है, इस एरर से भी आपको अवॉइड करना है। उसके बाद कन्फर्मेशन बायस, तो कन्फर्मेशन बायस में यूजिंग ओनली द फैक्ट दैट सपोर्ट अवर डिसीजंस, आपने उन फैक्ट को सामने रखना है जो आपके डिसीजन को सपोर्ट करें। जाहिर है कोई भी डिसीजन है, एनी डिसीजन, यू कैन फोकस ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स, यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रांग एंड पॉजिटिव फैक्ट्स, इन द लाइट ऑफ दैट फैक्ट्स यू विल मेक अ डिसीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे इस चीज़ को आप मलूज़े ख़ातर और ज़हन में रखें कि आपने कन्फर्मेशन जो बायस है, जो कि आपको यूज़ करने के लिए जो फैक्ट्स और उसको सपोर्ट करने के लिए जो डिसीजन होते हैं वो उसको सपोर्ट करें, और कन्फर्मेशन बायस है इसको अवॉइड करें आप। अवेलेबिलिटी बायस, यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ मोस्ट रेडिली एट हैंड। बाज़ दफ़ा हमें डिसीजन लेने की जल्दी होती है और हम वो कहते हैं कि जो हमारे हाथ में है इंफॉर्मेशन है, इसकी मदद से ही हम ले लें, एक्सप्लोर नहीं करते, हम सर्च नहीं करते, कंसल्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये भी हमारी बायसनेस में जाता है। कि अवेलेबिलिटी बायस का मतलब कि जी दोज इफ़ यू हैव रिसोर्सेज इन योर हैंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसोर्सेज यू मेक योर डिसीजन, तो ये अवेलेबिलिटी बायस है जिस जो आपको इसमें भी मदद नहीं करेगा। लिहाजा यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज मोस्ट रेडिली एट हैंड इज सिंपली नोन एज अवेलेबिलिटी बायस। तो कॉमन बायसेस एंड एरर्स को हम पढ़ रहे हैं कि ये नहीं होने चाहिए डिसीजंस लेते वक्त। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव बायस, असेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ एन ऑकरेंस बाय ट्राइंग टू मैच इट विद प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी। अब ये भी रिप्रेजेंटिंग है, हम असेस करते हैं अपनी लाइकलीहुड को, ये ताकि इसकी मदद से ये मैच करे हमारी रुझानात को, ये मैच करे हमारे इंटरेस्ट को। अगर ये हमारे इंटरेस्ट को मैच करती है तो हम इसकी रिप्रेजेंटेटिव बायस का शिकार होते हैं और इसकी मदद से हम डिसीजंस ले रहे लेते हैं। उसके बाद एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, ये भी एक कॉमन बायस है और एरर है। इंक्रीजिंग कमिटमेंट टू ए प्रीवियस डिसीजन, यानी हमारा कमिटमेंट एक तरह से इंक्रीज हो रहा होता है
तो प्रीवियस डिसीजंस के साथ इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, इसके बावजूद के हमारे पास नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव फीडबैक होता है, लेकिन एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट जो है वो हमें इंक्रीज करती है हमारी कमिटमेंट को जो प्रीवियस डिसीजंस के ऊपर, तो इस चीज़ से भी अवॉइड करना है। और रेंडमनेस एरर, ये टर्म जो है ट्राइंग टू क्रिएट मीनिंग आउट ऑफ रेंडम इवेंट बाय फेलिंग प्रे टू ए फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल और सुपरस्टिशंस। Hindsight bias, falsely believing to have accurately predicted the outcome of an event after that outcome is actually known. तो आप एक गैर जरूरी तौर पर hindsight bias जो कि आपको falsely believe कर लेते हैं एक ऐसी चीज के ऊपर जो कि मौजूद नहीं होती, एक ऐसी सोच के ऊपर कि जिसका वजूद नहीं होता, और उस सोच की वजह से, उस falselyhood की वजह से, false belief की वजह से आप डिसीजन लेते हैं, जो कि ये भी एक कॉमन बायस और एरर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, और ये वो कॉमन बायसेस हैं और एरर हैं जो हमें हमारे डिसीजंस को, हमारी परसेप्शंस को वीक करते हैं और हमारे डिसीजंस को जो है वो एक मुकम्मल और जामे होने से दूर रखते हैं। इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग, एन अनकॉन्शियस प्रोसेस क्रिएटेड आउट ऑफ डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस, ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, अनकॉन्शियस प्रोसेस जो कि क्रिएट किया जाता है आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपके, कि कितना पॉजिटिव आप डिसीजंस लेते हैं। फिर कंडीशंस फेवरिंग इंट्यूटिव डिसीजंस मेकिंग, तो कुछ कंडीशंस हैं इसके ऊपर अगर आपको फेवरेबल इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ये जो कंडीशंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इसका खास तौर पर आपने ख्याल रखना है। तो अ हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, इसके अंदर जो कंडीशंस फेवरिंग इंट्यूटिव डिसीजंस मेकिंग के अंदर है, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, इसका हमें अनसर्टन होते हैं, इसके बारे में हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसके बारे में हम एक मुकम्मल हकीकत हम इसके ऊपर हमारे ऊपर अभी पूरी नहीं खुलती है, अनसर्टन होते हैं हम, शक के अंदर होते हैं। और उसके बाद देयर इज अ लिटिल प्रेसिडेंट टू ड्रा ऑन, वेरिएबल्स आर लेस साइंटिफिकली प्रिडिक्टेबल, फैक्ट आर लिमिटेड्स, ये इसकी वजह से क्योंकि हमारे पास वेरिएबल लेस साइंटिफिकली प्रिडिक्टेबल है, जो वेरिएबल्स हमने इसमें डिसाइड किए हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं है या कम प्रिडिक्टेबल है, हमें इसके ऊपर पूरा एतमाद नहीं होता। उसके बाद फैक्ट्स जो अवेलेबल, जैसे कहा गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट आपने डिसीजंस करने हैं, तो इसके अंदर फैक्ट्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, जो हमें हमारी इंट्यूशन और डिसीजन मेकिंग में जो है वो रुकावट बनते हैं। फैक्ट डोंट क्लियरली पॉइंट द वे, और जो फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो हमारे क्लियरली जो है वो पॉइंट ऑफ वे को जाहिर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मतलब एनालिटिकल डाटा आर ऑफ लिटिल यूज, सेवरल प्लॉजिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट, टाइम इज लिमिटेड एंड प्रेसिंग फॉर द राइट डिसीजंस, इसके अंदर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है और हमें एक बेहतर डिसीजंस करने के लिए और राइट डिसीजंस करने के लिए वक्त जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, और हमें इस चीज़ की जो है वो प्रॉब्लम फील होती है। डिसीजन मॉडल स्टाइल, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, वे ऑफ थिंकिंग, हमारा वे ऑफ थिंकिंग रैशनल इंट्यूटिव, रैशनल जो है वो लीड करता है इंट्यूटिव। इसमें सबसे पहले अगर हाई की तरफ जाएं, डायरेक्टिव जो है वो लो और एनालिटिकल, हमें हर चीज़ को अगर डिसीजंस को लेना है एनालिटिकली, हमें उसको असेस करना है, एवेल्यूएट करना है, और उसके बाद जो है हमारा जो मॉडल बनेगा कंसेप्चुअल हो, बिहेवियरल ना हो, तो बिहेवियर की वजह से या उसकी वजह से ना हो, तो ये डिसीजन स्टाइल मॉडल है जो एनालिटिकल, कंसेप्चुअल, डायरेक्टिव और बिहेवियरल है, ये चार चीज़ें हैं जो हमारी वे ऑफ थिंकिंग को जो है अप्रोच करती हैं, और यह हमें करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट ऑन डिसीजन मेकर्स के ऊपर, फिर हम आते हैं परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के ऊपर, एवेल्युएशन क्राइटेरिया इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ एक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट के अंदर जो कि डिसीजन मेकर्स के ऊपर होंगे, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन बहुत अहम किरदार अदा करेगी, एवेल्युएशन क्राइटेरिया इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ एक्शन,
और ये जो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया हम बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो डिसीजंस मेकर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, उसके चॉइस ऑफ एक्शंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी, उसके डिसीजंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी, रिवार्ड सिस्टम जो है ये डिसीजन मेकर के ऊपर करेगा कि किस तरह के रिवार्ड सिस्टम हो, डिसीजन मेकर मेक एक्शन च्वाइसिस दैट आर फेवर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिवार्ड सिस्टम के तहत डिसीजन मेकर वो एक्शन और वो चॉइसेस करेगा जिस जो फेवर्ड करेंगे बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के बगैर उसके डिसीजंस जो हैं वो किसी काम के नहीं है। लिहाजा डिसीजन करते वक्त उसके ऊपर जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट होगा कि वो डिसीजंस करे जो उसको फेवर्ड करें, ऑर्गेनाइजेशन उसको फेवर करे, वो ऐसे डिसीजन नहीं लेगा जिसमें और ऑर्गेनाइजेशन उसको फेवर ना करे, सपोर्ट ना करे। उसके बाद फॉर्मल रेगुलेशन, फॉर्मल रेगुलेशन में ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज लिमिट द अल्टरनेटिव्स चॉइसेस ऑफ डिसीजन मेकर्स। तो फॉर्मल रेगुलेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज जो हैं वो मैटर करती हैं, इन द लाइट ऑफ दैट पॉलिसीज एंड द लाइट ऑफ दैट रूल्स विच हैव टू focused by the employees and focused by the decision makers, limit the alternative choices of decision makers. तो यहाँ पर decision makers के पास इतनी choices नहीं होंगी, क्यों? उसको एक rules and regulations के अंदर रहते हुए decisions लेना है, क्यों? इस वजह से लेना है कि क्योंकि rules उसको restrict करते हैं, वहाँ की regulation उसको restrict करती है, क्योंकि उसने एक decisions जो उसकी policy के मुताबिक decisions हैं, organizations की policy के मुताबिक decisions लेने हैं, अपनी मर्जी से नहीं लेने। तो इस वजह से फॉर्मल रेगुलेशन जो है वो आपको सामने, तो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज लिमिटेड द अल्टरनेटिव्स चॉइसेस ऑफ डिसीजन मेकर। उसके बाद सिस्टम इम्पोज्ड टाइम कंस्ट्रेंट, अब वो सिस्टम जो है वो इम्पोज करता है कि टाइम कंस्ट्रेंट है, इसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है, और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर डिसीजंस बाय स्पेसिफिक डेडलाइंस, आपको डेडलाइन दी जाती हैं कि इस डेडलाइन तक आपने प्रोडक्टिविटी दिखानी है, उससे पहले पहले आपने रॉ मटीरियल कितना लेना है, उसकी डिज़ाइन कैसे करना है, लॉन्च कब करना है, मार्केट कैसे करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पॉपुलर कैसे बनाना है, तो ऑल दीज थिंग विच यू हैव टू फोकस इन स्पेसिफिक टाइम, और स्पेसिफिक टाइम एंड डेडलाइन रिक्वायर्स योर अर्जेंट एंड एक्यूरेट एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। तो ये पावर जो है वो इम्पोस्ट की जाती है ताकि बेहतर डिसीजन हो। उसके बाद हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स हैं, पास्ट डिसीजन इन्फ्लुएंस करंट डिसीजंस। हमेशा इस तरह होता आया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर रही है और उसके अंदर कोई नया मैनेजर आता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस वो वहाँ से काम शुरू करता है जो पास्ट में होते रहे हैं, जो अच्छी प्रैक्टिसेस होती रही हैं और जो फीडबैक आता रहा हो। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट एंड डिसीजन मेकर पर कि नए मैनेजर के लिए एक टफ जॉब हो जाता है कि उसको पास्ट डिसीजंस के ऊपर, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके करंट डिसीजंस के ऊपर, तो इसलिए पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपीरियंस डिसीजंस को, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं नए डिसीजंस के ऊपर, तो हमारे नए डिसीजंस के अंदर भी पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट डिसीजंस होंगे। तो ये कंस्ट्रेंट हैं जो डिसीजन मेकर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन इम्पोज करती है और इसकी रोशनी में इनको ये काम करना होता है। उसके बाद कल्चरल डिफरेंस इन डिसीजन मेकिंग, तो देर आर नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो वी हैव टू फुलफिल दोज कल्चरल डिफरेंसेस, वी हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर कल्चरल डिफरेंसेस, और उसकी रोशनी में आपको अपनी प्रोडक्ट, अपनी मार्केटिंग और अपनी कंपेन्स को चलाना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो बाज़ाहिर जो है कंपनी की फेवर में है, बाज़ाहिर कंपनी की फेवर में नहीं है, तो वो किस तरह फ्रूटफुल हों। तो प्रॉब्लम सेलेक्ट किए जाएंगे कि इस कल्चर के मुताबिक क्या प्रॉब्लम आ रहा है और एग्जीक्यूशन हमारी कैसे होगी, टाइम ओरिएंटेशन का खास ख्याल रखा जाएगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी, बिलीफ इन द एबिलिटी ऑफ पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बिलीफ एंड इन द एबिलिटी ऑफ द पीपल, तो जो हमारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारा बिलीफ होगा उनकी एबिलिटीज के ऊपर, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर और उनकी तमाम चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, हमने उनको फैसिलिटेट करना है, एकोमोडेट करना है ताकि हमारे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन हो और हमारी बेहतर तरीके के साथ ये फीडिंग हो। तो प्रेफरेंस फॉर कलेक्ट डिसीजन मेकिंग, तो ये प्रेफरेंस भी देनी है कि कलेक्ट डिसीजन मेकिंग
तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को देखा गया है, तो कल्चरल डिफरेंसेस भी इसमें बहुत सारे होते हैं। आपने अगर किसी दूसरे कल्चर के अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट या अपनी प्रोडक्टिविटी दिखानी है तो यू हैव टू फोकस एंड टू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट कल्चर इन द लाइट ऑफ अदर कल्चर्स। यू कैन मेक अरेंजमेंट टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, टू launch your decisions, you have to fulfill those requirement of external or other cultures. तो कल्चर डिफरेंसेस डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं। उसके बाद एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग। अब सब कुछ हमने देखा, एवेल्यूएट किया कि किस तरह हमारे डिसीजंस के ऊपर असर पड़ता है, किस तरह हमारे डिसीजंस के ऊपर परसेप्शन असर अंदाज होती है, किस तरह हम तमाम चीज़ों को सामने रख कर एक कंपनी की जो गुडविल के ऊपर हम डिसीजंस लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एथिक्स क्या कहते हैं, एथिक्स कितना इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजंस को, क्योंकि एथिक्स के बगैर वक्ती आपने डिसीजंस ऐसे किए जिसमें एथिक्स का ख्याल नहीं रखा गया, वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा होगा लेकिन क्या एथिकली वो चीज़ ठीक है कि नहीं, तो आपके डिसीजंस, आपकी परसेप्शंस जो है इस चीज़ का वो काम आती है कि नहीं आती। तो एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग में, एथिक्स डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को वी हैव टू फॉलो दीज क्राइटेरिया, वी हैव टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया व्हेन वी आर इन पोजीशन टू टेक सम डिसीजंस। तो एथिक्स बेसिकली प्रोसेस वही रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन एथिक्स को हर हाल में हमने कंसिडर करना है, क्योंकि दिस विल हेल्प अ लॉट टू फ्लरिश अवर ऑर्गेनाइजेशन इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। आप बड़ी बड़ी जितनी इंडस्ट्रीज कंपनीज आप देख लें को एथिकल डिसीजंस करती हैं, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल कायम करनी है, उन्होंने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिसाल कायम करनी है, क्योंकि उनकी किसी ऐसी चीज़ में जिसमें ह्यूमैनिटी को नुकसान होता हो, जिसमें उसकी उनकी प्रोडक्ट से लोगों को नुकसान होता हो, उससे बचने के लिए एथिकल। और एथिकल डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले यूटिलिटेरियनिज्म है, सीकिंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों की तरफ रुझान को लेके जाना, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना, मोरालिटी की तरफ लेके जाना, चाहे वक्ती तौर नुकसान ही क्यों ना रहा हो डिसीजन के अंदर, लेकिन एथिकली वो सपोर्टिव है तो वो बेहतर है, ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ लेके जाना। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये आपको इसमें सीक करने में ग्रेटेस्ट गुड को फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नंबर को फ़ायदा पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जो है फ़ायदा पहुंचे, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा पहुंचे, किसी कम नंबर को या किसी मखसूस तबके को फ़ायदा हो और रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी सफ़र करे, तो ये एथिकल डिसीजन मेकिंग के अगेंस्ट जाता है। उसके बाद राइट्स हैं आपके, कि जिस जो डिसीजन ले रहा है उसमें किसी के राइट्स तो सल्ब नहीं हो रहे, रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग बेसिक राइट ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज विसल ब्लोअर्स। अब ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि क्या आपके डिसीजंस में किसी के राइट्स तो मजरू नहीं हो रहे, तो राइट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द डिसीजन मेकर, तो टू कीप इन माइंड दिस राइट्स ऑफ द पीपल यू कैन मेक अ डिसीजंस। मिसाल का तौर पर आप ही की फर्म में विसल ब्लोवर कौन होगा? विसल ब्लोवर वो होगा जो अपनी ही कंपनी, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के वीक पॉइंट्स को दूसरों के आगे बताए, वो दूसरों की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाए। तो जब अगर वो अपनी ही फर्म के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में बताएगा तो उसका वहाँ पे बहुत महाल हो जाएगा स्टे करना, काम करना। तो हमें जो एथिक्स सिखाते हैं, एथिक्स ये सिखाता है कि इस हमें उससे इंतकाम नहीं लेना, उसको किसी ख़ास इंतकाम का निशाना नहीं बनाना, बल्कि वो विसल ब्लोअर है, अगर वो किसी वीकनेस को हाईलाइट कर रहा है तो एथिक्स ये कहते हैं तो उसको वेलकम किया जाए और उसकी बात को। लेकिन हमारे यहाँ जनरली ये रुझान है जो विसल ब्लोअर होता है उसको मैनेजमेंट जो है
वो अच्छी नज़रों से नहीं देखती और उसको एक नुकसान भी पहुंच सकता है और पहुंचता है। तो चाहे राइट हमारे विसल ब्लोवर का क्यों ना हो, उसके भी राइट का ख्याल रखना है और इंडिविजुअल राइट्स का ख्याल रखना है। हम अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना है, उनके राइट्स क्या हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए हम एम्प्लॉयज़ को और उनके बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को सफ़र नहीं करवा सकते। तो राइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जिसकी मदद से आप आगे लेके चलेंगे। उसके बाद जस्टिस, तो ये एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग हम पढ़ रहे हैं। तीन चीज़ें जो हमने की, यूटिलिटेरियनिज्म है, राइट्स है और जस्टिस। जस्टिस ये जैसे आप देख सकते हैं कि हर जगह पे जस्टिस जो है वो हमें सपोर्ट करेगा। जब हम जस्टिस और एथिक्स को सामने रख के डिसीजंस करेंगे तो उसमें हमें एक आगे बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचने का जो है वो रुझान मिलेगा। और इम्पोजिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स फेयरली एंड इम्पार्शली। अब जस्टिस बेसिकली आपने इम्पोज करने हैं, इन्फोर्स करने हैं रूल्स फेयरली। जो रूल्स और रेगुलेशंस आपने बनाए हैं, इसके अंदर ह्यूमैनिटी के वेलबींग आ जाती है, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग आ जाती है, फर्म की वेलबींग आ जाती है, हर चीज़ की वेलबींग जब इसके अंदर मौजूद है तो फिर आपने जस्टिस से काम करना है। अपने डिसीजंस के अंदर जस्टिस को जो है उसको ज़रूर सामने रखना है, क्योंकि जस्टिस के साथ इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम से जो है प्रोडक्टिविटी आती है और आपके गलत डिसीजंस भी जो हैं वो इतने नुकसानदेह और वो नहीं होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो एथिकल डिसीजंस मेकिंग के अंदर आपको पढ़ना है, एथिकल डिसीजंस मेकिंग के प्रोसेस के अंदर आपको पढ़ना है। ये प्रोसेस आपको जो है फ़ायदा देगा। इस प्रोसेस की मदद से आप जो है अपनी फर्म को एक बहुत आला मुकाम तक लेके जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा परसेप्शन है कि आपकी परसेप्शन कितनी ज़्यादा एथिक्स को सामने रखती है। आप एथिकल डिसीजंस मेकिंग करते हैं, कितनी ज़्यादा परसेप्शन आपको सपोर्ट करती है आप जस्टिस की तरफ जाएं, कितनी ज़्यादा आपकी परसेप्शन आपको सपोर्ट करती है कि दूसरों के राइट्स का ख्याल रखना है, आपने दूसरों के बिहेवियर्स अपने बिहेवियर्स को दूसरों की जो एटीट्यूड्स हैं उसकी बेहतरी के लिए अपने बिहेवियर्स को इस्तेमाल करना, ताकि दूसरों के एटीट्यूड्स जो हैं वो बेहतर तरीके सामने आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए। तो ये डियर स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर ध्यान रखना और अपने जहन में रखना है और इसका मजीद एक्सप्लोर करना है इन टर्म्स को आपने, कि एथिकल डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया के अंदर इन तीन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इस क्राइटेरिया की मदद से ही हम बेहतर एथिकल डिसीजंस कर सकते हैं जो हमें आगे फ़ायदा दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने इन क्राइटेरियाज़ को फॉलो किया होगा, करेंगे और आप इसकी बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग के बाद हम आपको एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर एथिक्स एंड नेशनल कल्चर के साथ कनेक्ट करते हैं कि किस तरह हमारे ये एथिक्स जो हैं नेशनल कल्चर को बनाने में मदद देते हैं। देर आर नो ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स, देर इज़ नो ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स मीन्स के वी ऑल सर्व टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, वी वॉन्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, वी मेक अरेंजमेंट फॉर द डिसीजन्स फॉर the ethical principle of global organizations that reflecting and respect local cultures norms and necessary for high standards and consistent practices. So these require that wherever we work we have to fulfill and give the respect to the external cultures where we want to work. तो हमें जिस भी जगह पे अपना काम करना है उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स को सामने रखना है। इन द लाइट ऑफ दैट एथिकल स्टैंडर्ड्स विल मेक अरेंजमेंट ओवर प्रोडक्टिविटी, विल मेक अरेंजमेंट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो एथिकल प्रिंसिपल्स हमें इस चीज़ की तरफ लेके जाते हैं कि कंसिस्टेंस पेशेंट और प्रैक्टिस जो है हमारी वो इस तरह की हो कि हर कल्चर की ज़रूरत और हर कल्चर की रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए हमारे डिसीजंस जो हैं वो फुलफिल हों। डियर स्टूडेंट्स, वेज टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, पीछे हमने देखें बड़ी तफसील के साथ पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमारी परसेप्शंस कितनी हमें स्ट्रॉन्ग करती है हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारी परसेप्शन वीक परसेप्शन कितना हमें वीक करती है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इस चीज़ का हमने एनालिसिस किया। करते करते हमने फिर एथिकल एथिक्स के ऊपर आ गए कि ठीक है, आपके सारे डिसीजंस इन द लाइट ऑफ एनालिसिस, इन द लाइट ऑफ एवेल्यूएशन, इन द लाइट ऑफ अदर थिंग्स, लेकिन फिर हम ये देखते हैं
कि क्या हमारे डिसीजंस एथिकल हैं, क्या हमारी परसेप्शन जो है वो एथिक्स के बारे में भी सोचती है, क्या हमारे डिसीजंस किसी को हार्मफुल तो किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं है। तो हमने अपने डिसीजंस को ह्यूमैनिटी के लिए, हमने अपने डिसीजंस एक लंबे अरसे तक जाने के लिए, अब इसकी एक मिसाल आपको दे देते हैं कि आप सपोज ये करें कि एक मैनेजर को टास्क मिला है, उसने एक नई कंपनी हायर की है, जॉब में हायर हुआ है, और उसको पहला टास्क ये दिया गया है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट जीत के आना है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को $20 मिलियन का फायदा होगा। अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपटीशन में जाता है तो उसको जो बिडर्स हैं वो उसे कह रहे हैं कि ठीक है आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 5 मिलियन की रिश्वत देनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर आप ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशन ने जिस नए मैनेजर को टास्क किया उसमें ये कहा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने जीत के आना है, और अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट जीत के ना आए तो आपकी जॉब को खतरा है। दूसरी तरफ उसको $5 मिलियन रिश्वत देने पड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे उसने मैनेजर ने डिसीजन लेना है कि वो रिश्वत दे के कॉन्ट्रैक्ट लें या फिर अपनी जॉब को सेफ करें। तो आप खुद सोचें कि बाज़ दफ़ा मामलात आपके हाथ से निकल जाते हैं, तो आप एथिक्स को देखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को देखेंगे, या ह्यूमैनिटी को देखेंगे, अपनी कंपनी के सर्वाइवल को देखेंगे, तो ये आप बताइए डिसीजंस कैसे लेंगे वो। अगर वो $5 मिलियन देता है रिश्वत में जो कि कंपनी ने उसको अलाउ किया है, तो फिर क्या एथिकली ये ठीक है? वो 5 मिलियन रिश्वत दे के क्या वो उसी मेयार की प्रोडक्टिविटी लेके आएंगे? तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो एथिकल डिसीजंस को मुश्किल बना देती हैं, ये आपने फोकस करना है। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू इम्प्रूव अवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उन वेज में जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो वो ऐसे रास्ते जो हमारे डिसीजंस को इम्प्रूव करने में मदद करें, तो उसमें एनालाइज द सिचुएशन एंड एडजस्ट योर डिसीजंस, मेकिंग स्टाइल टू फिट द सिचुएशन इन द लाइट ऑफ एथिक्स, इन द लाइट ऑफ विद द और विद द सपोर्ट ऑफ एथिक्स। तो एनालाइज करना है सिचुएशन को, एडजस्ट करना है अपने थिंकिंग प्रोसेस को, अपने डिसीजन को और अपने स्टाइल को जो कि सिचुएशन के मुताबिक फिट हो। बी वेयर ऑफ बायसेस एंड ट्राई टू लिमिट देयर इम्पैक्ट्स। दूसरी जो रास्ता आपने अडॉप्ट करना है टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बी अवेयर ऑफ बायसेस, अपने बायसेस से दूर रहें, अपने बायसेस को जो है वो दूर रखें, लिमिट करें, ट्राई करें कि उसका जो इम्पैक्ट है कम से कम आपके ऊपर पड़े और आप बेहतर डिसीजंस करें। आप वक्ती तौर आपकी पसंद, आपके इंटरेस्ट, आपके एक्सपीरियंस, आपके मिजाज को नहीं सूट कर रही चीज़, लेकिन एनालिसिस ये कह रहा है कि ये ठीक है, और आपका जो थ्योरी है वो ये कह रही है कि ये ठीक है, एथिक्स ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, लेकिन अपने फिर आपने वो डिसीजन करना है जो एक्चुअली एथिकली एनालाइजिंग के बाद, एवेल्यूएशन के बाद जो दुरुस्त हो, लॉजिक के साथ हो, वो दुरुस्त फैसला है, बनिस्बत इसके कि आप उसको अपने बायसेस को अंदर ले आएं, अपने इंटरेस्ट को ले आएं और अपने अपने पर्सनल जो है रुझानात हैं उसको अंदर ले आएं। कंबाइन रैशनल एनालिसिस विद इंट्यूशंस टू इंक्रीज डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने कंबाइन करना है रैशनल एनालिसिस को इंट्यूशंस के साथ टू इंक्रीज डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस। अपनी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस को करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे डिसीजंस लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिंसिपल विच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स। डोंट अज्यूम दैट योर स्पेसिफिक डिसीजन स्टाइल इज अप्रोप्रिएट टू एवरी सिचुएशन। कभी भी ये अज्यूम नहीं करेंगे आप, जैसे कि पहले भी ये चीज़ डिस्कस की हमने, कि इसलिए दोबारा की कि इसकी इम्पोर्टेंस को हमने समझा, इस ये जो वेज हैं इसको आपके इम्प्रूव करेंगे आपके डिसीजन मेकिंग में, लिहाजा आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि योर स्पेसिफिक डिसीजन और स्टाइल अप्रोप्रिएट हैं हर सिचुएशन में, कभी भी नहीं।
आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इवैल्यूएशन ऑफ द इन द रिजल्ट ऑफ दैट इवैल्यूएशन, इन द लाइट ऑफ दैट रिजल्ट्स जो आपने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं, सर्वे के बाद जो आपने काम किया है, ऑब्जर्वेशन के बाद किया है, मशवरे के साथ किया है, उसके बाद जो डिसीजन होंगे वो जरूरी है, ना कि आप अपने अज्यूम कर लें कि मैं आप बेहतर तरीके से डिसीजन और अप्रोप्रिएट है मेरे डिसीजंस, हर सिचुएशन में वही चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करें, ये ठीक नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इन्हांस करें अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को, बाय लुकिंग फॉर नोवल सॉल्यूशन ऑफ सीइंग प्रॉब्लम्स इन न्यू वेज एंड यूजिंग एनालॉजीज। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स एंड फोकस एंड स्टे एंड प्रैक्टिस दोज थिंग्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बेटर डिसीजन मेकिंग। तो आप अपनी परसेप्शंस को इस्तेमाल करते हुए, अपनी जजमेंट को इस्तेमाल करते हुए, आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं उसको पॉजिटिव वे में लेते हुए बेहतर से बेहतर डिसीजंस को कर सकते हैं। यही आपको और हमारी कामयाबी है। आपको उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ को आप फोकस करेंगे। गो के काफ़ी सारी चीज़ें शायद आपको ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके लिए नए हों, कुछ चीज़ें हो सकते हैं आपको समझ में अभी ना आ रही हूँ, लेकिन इसको बार बार देखें, बार बार करें, इसको रिपीट करें, इसकी टर्म्स को समझने की कोशिश करें, इसको एलैबोरेट करें और इसकी तह में जाने की कोशिश करें। तो ये इंटरेस्ट, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इस फायदे से आप आगे चलकर बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर अपने रुझानात को लेके जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और पिछले लेक्चर्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे और जिस जगह से हमने सफ़र शुरू किया, आपने अपने इंडिविजुअल फाउंडेशन आपने अपनी बनानी है ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको वो काम आए। आपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाके लोड उठाना है, एग्जिस्टिंग सेटअप के अंदर जाके उसको समझना है और उसके अंदर आपने इनोवेशंस लेके आनी है, आपने क्रिएटिविटी लेके आनी है, आपने वो तमाम चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की उसको सामने रखना है, स्टेप बाय स्टेप सामने तभी रखना है जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ नहीं आएंगे, और अगर आपको समझ आ भी गए और आपकी प्रैक्टिस में ना हुए तो ये आपको फ़ायदा नहीं देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे उम्मीद है कि आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे होंगे और इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश में होंगे, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर हैं, ये वो सब्जेक्ट है जो रियलिटी के ऊपर है, ये वो सब्जेक्ट है और ये वो चीज़ें हैं, ये वो मसाइल हैं जो वर्क प्लेस के ऊपर आपको देखने हैं और इनको आपने टैकल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ और इस ख्वाहिश के साथ कि हमारा और आपका साथ आगे और खुशगवार और अच्छा रहेगा और आप हमारे लेक्चर्स को बहुत गौर से और बेहतर तरीके से जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगे, अपनी परसेप्शन की कुव्वत को इस्तेमाल में लाएंगे और आप बेहतर तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन में आप हमारे साथ रहेंगे। तो इस ख्वाहिश के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अगले लेक्चर्स में आप मज़ीद नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मदद देंगे, और आप अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।